क्या कर रहे हो भाई, किस लिए इधर रात के अंधेरे में? 3री दफा टोपी गिरी है, 3री दफा अब जो है ना उल्टी पहन ली है। चलो अब समझ आई है, अब नहीं गिरेगी। तो ये आप देख सकते हैं, चांद और तारा दोनों एक साथ, क्या खूबसूरत नज़ारे। लेकिन मेरे फ़ोन में सही से नहीं कैप्चर हो रहा, तो आप लोग जो है ना नज़ारे को समझ लीजिएगा। तो भैया जी सीन कुछ ऐसे है, लाइन देखिए ज़रा, लाइन यहाँ पर देखिए, क्या बात है भैया, क्या बात है। फाइनली हम जो है ना सुपर हाईवे पे पहुँच गए हैं, और सुपर हाईवे के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। अगर आवाज़ में मेरी आवाज़ जो है ना सही आ रही हो, तो भैया जी सीन कुछ ऐसे है। भैया जी सीन कुछ ऐसे हैं कि अभी हम किसी होटल पे आए हुए हैं, यहाँ पर चाय पियेंगे। काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहे थे, तो अब चाय पियेंगे और अपना जो सफ़र है वो जारी रखेंगे। तो चाय हमारी आ गई है भैया जी, चाय आ गई है। हाँ नूरली, थके हो क्या? बहुत थका हूँ यार। अच्छा, मगर मज़ा आ गया, दिन होता तो और मज़ा आता, विलोक भी सही बनता, खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे होते। अच्छा सही, बिस्किट भी आ गई हमारी, मोबाइल नहीं। अच्छा दिन नहीं है, रात है, तो आपकी वजह से हुआ है, आपकी मेहरबानी है। हाँ आपकी मेहरबानी है, मेहरबानी। 3 बजे का बोला हुआ है, साहब आ रहे हैं 7:30 बजे। तो भैया जी इसी वजह से हम जो है ना अभी काम वाले बंदे हैं, तो बारिश तो देर से हो जाएंगे। हाँ अब तुम्हारे लिए हम ऐसे ही आ जाए, जरूर बंदा कहीं जाएगा। देख तो ये देख, मेरे को बाद में फंसा के खुद क्या। चाय कुछ इस तरह से है, अभी तक ट्राई नहीं करी, ट्राई करके बताता हूँ भैया जी। अब नूरली हमें बताएंगे कि चाय कैसी है। हाँ नूरली कैसी है? जबरदस्त यार, जबरदस्त। अच्छा 100 में से कितने नंबर दोगे? 100 में से मैं 90% दूंगा। 90%, क्या बात है। अच्छा चाय जबरदस्त है। तो भैया जी चाय वाय पी के अभी हम जा रहे हैं। बाय द वे हमने कौन से होटल पे चाय पी थी, ये वाला है। तो अभी हम जा रहे हैं, ये हमें बाइक से टकराने वाला था, बच गए। भैया जी सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम जंगल में आ गए हैं, स्पेशल जगह जा रहे हैं। अभी पता नहीं कहाँ पर है, किस जगह पर है, तो अभी तक तो हम जा रहे हैं, देखते हैं, तो देखते रहिए। तो भैया जी अब पता नहीं कौन सी जगह पर आ गए हैं, और एक स्पेशल जगह जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है और कौन सी जगह पर है वो जगह। फिलहाल हम जंगल के अंदर हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो भैया जी देखते रहिए। ये हमारे साथ है आज कबीर अल बलूची। अच्छा तो अभी हम जा रहे हैं इसके ऊपर, ये इसे तो आप जानते होंगे, मशहूर जमाना नूर अली, आज भी ब्लैक कपड़े में। हाँ यार ये आप जब भी व्लॉग में आता हूँ ब्लैक, इसकी कोई वजह या कोई राज? बस ब्लैक कलर, ब्लैक ड्रेस उसको पसंद था। अच्छा उसको, सही बोला इसने, बिल्कुल गलत नहीं बोला, ब्लैक ड्रेस उसको पसंद था। अमजद, ये अमजद है, ये डेडर है, डेडर मतलब नूर भाई को उधर कर। तो ये कबीर जो है ना गांव से आए हैं, सांगड़ से, मेरे गांव से आए हैं, कल आए हैं। ये मेरा कजन है, ये नूर अली है, इसे तो आप जानते हैं भैया जी, उसका पहचान नहीं करा। ये मेरा बड़ा भाई है अमजद,
हम जल्द इस व्लॉग इंशाल्लाह अगले व्लॉग में ब्लैक कलर नहीं होगा, टेंशन अच्छा, नहीं ले। तो कौन सा कलर होगा? व्हाइट। व्हाइट नदी में, शायद हमें यहीं पर आना था। ये देखे मछलियां भैया जी, मछलियां। वो देख बड़ा, ये गया, ये देखे मछलियां, ये देखे बहुत स्पीड से आ रहे हैं और बहुत सारे हैं। खत्म हो गए शायद, डरा दिया कबीर ने, डरा दिया इनको। हाँ कबीर, क्यों डराया तूने? बस डर गए, हमको देख के, हमको देख के कौन नहीं डरता? तेरे शक्ल को देख के डर गए। अब नहीं स्टार्ट, बात नहीं करोगे? मछली पकड़ते वक्त बात नहीं करते, ये भी है। मछलियाँ इधर बहुत है ना, इसके पास, इस बड़े बड़े मित वाले के पास। मछलियों ने दोस्ती कर ली है इससे, सबसे डर रहे हैं। बहुत खूबसूरत जगह है ये मल्लीर नदी। मल्लीर नदी जंगल के दरमियान से होते हुए आए हैं हम, पता नहीं कौन सी जगह है लेकिन है बहुत अच्छी। तो यहाँ पे मछलियाँ देखो, मछलियाँ देखो, मछलियाँ बहुत है लेकिन हाथ नहीं आएंगे, और हाथ आएंगे भी तो काम के नहीं है क्योंकि ये छोटे मछलियाँ हैं, छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं। तो अभी हम जा रहे हैं पानी के अंदर से, आगे जा रहे हैं उनके पास, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, देखते हैं। पानी देखो, पानी इतना गहरा भी नहीं है। अच्छा, गहरा नहीं, बस इधर तक है पानी। अच्छा, पानी गर्म है, ठंडा है? पानी ठंडा है, मास्टर क्या, पानी भी ठंडा ठंडा। अच्छा, ठंडा पानी है। मैंने सुना ये पानी पिया भी जा सकते, मतलब पीने के लिए भी पानी सही है। अच्छा, पीने के लिए सही है, तो पीने के लिए तो वाकई में सही है। यहाँ पर मछलियों के टाइम लैप्स देखे, असल में ये टाइम लैप्स नहीं है, मछलियाँ खुद स्पीड से जा रही हैं। ये देखे भैया जी, दरअसल हमने कैमरा ओपन करने में थोड़ा टाइम लगाया, मछलियाँ माशाल्लाह पहले बहुत थे लेकिन जब कैमरा ओपन किया तो इतने मछलियाँ नहीं थे, सारे चले गए थे। ये देखे पानी निकल रहा है इतने से जगह पे। तो फाइनली आहिस्ता आहिस्ता से सारे बंदे नहा रहे हैं, और बदकिस्मती से मैं नहीं नहा पा रहा क्योंकि कपड़े गीले हो जाएंगे, फिर खुशक नहीं होंगे। और बदकिस्मती से मैं जो है ना एक ही जोड़ा पहन के आया हूँ, मतलब के पहन कर तो एक ही आते हैं, लेकिन बात कुछ इस तरह से है कि मैं इस पैर में जोड़ा नहीं लाया। तो फाइनली मैं जो है ना पानी से बाहर आ चुका हूँ, और दूसरे जो सारे लड़के हैं वो नहा रहे हैं, तो दिखाते हैं आप लोगों को भी। वैसे यहाँ पर कांटे बहुत है, देख सकते हैं यहाँ पर जो है कांटे बहुत हैं, तो संभल संभल कर चलना पड़ेगा। ये देखें कांटे ही कांटे हैं यहाँ पर, तो सारे लोग वहाँ पर नहा रहे हैं, आगे जाते जा रहे हैं और पानी जो है बढ़ता जा रहा है। पहले हम यहाँ से आए थे और इस तरह जाते जाते ना पानी जो है ना वहाँ पर ज़्यादा होता जा रहा है, हो सकता है आगे जो है ना और भी गहरी पानी हो। तो यहाँ पर अगर मैं आगे जाऊँ तो कांटे हैं, पानी के अंदर से जाना पड़ेगा, पानी यहाँ पर थोड़ा सा गहरा है तो मेरे जो कपड़े हैं वो गीले हो सकते हैं। तो जगह का नाम बताना मैं भूल गया था, तो इस जगह का नाम है मूल नदी काटोर,
जो कि DHA और बैरियर टाउन के दरमियान में है। सुपर हाईवे साथ में ही है, तो इसे मूल नदी काटोर कहते हैं। और जो है ना, बहुत ही प्यारी जगह है, सुनसान सी जगह है, इतना शोर वगैरह ट्रैफिक कुछ भी नहीं है, सुकून वाली जगह है। तो आप अगर नज़दीक के हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के लिए पहाड़ों से होते हुए आना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते यहाँ पर कच्चे हैं, तो इस तरह के जगहों से आना पड़ेगा। तो इट्स डिपेंड ऑन यू। हम तो यहाँ के लोकल हैं, मतलब के तो इसी वजह से हमें तो पता है, अगर आप नए हैं तो आपके लिए मसला हो सकता है। तो हमारे मुल्ला इमरान साहब जा रहे हैं उनको बुलाने, क्योंकि टाइम लेट हो गया है, तो उनको बुलाना है, क्योंकि जाते जाते भी टाइम लग जाएगा। तो उन्हें आप देख सकते हैं काफ़ी आगे चले गए हैं, और आगे जो है चलते जा रहे हैं, बुला रहे हैं फिर भी नहीं आ रहे, इनको मज़ा आ रहा है। तो आगे जो है ना पानी गहरा होता जा रहा है, तो देखते हैं। तो भाई लोग, फाइनली जो है मुझे भी नहाना पड़ा, क्योंकि सारे नहा रहे थे, तो मेरे से भी जो है ना बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने भी नहा लिया। तो अब जो है ना, नहाने के बाद हम जो है ना वापस जा रहे हैं। तो भाई बहुत मज़ा आया, फिलहाल तो जा रहे हैं घर, देखते हैं क्या होता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो अभी के सीन कुछ ऐसे हैं कि हमारे दो गाड़ियां जो है ना पंचर हो गई हैं, तो मैं और नूरली जो है ना पैदल आ रहे हैं। एक जो है ना आधे रास्ते पहले हुई थी, एक अभी हुई है। तो जाते हुए तो सही से गई हैं, लेकिन आते हुए दो गाड़ियों ने धोखा दिया है। तो अभी नज़दीक है, इतना दूर नहीं है। बाय द वे गाड़ी आ रही है हमें लेने, तो अभी तक जो है ना पैदल जा रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं? पैदल 3 किलोमीटर आगे शायद रास्ता होगा। 3 किलोमीटर? मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मगर वो बोल रहे थे कि बहुत दूर है। अच्छा, कराची वालों के हिसाब से 3 किलोमीटर है, हमारे लिए तो आधा किलोमीटर। अच्छा, हम तो हर जगह पे पैदल ही जाते हैं। किलोमीटर बहुत फास्ट है। तो भैया बने रहिए। तो यहाँ के रास्ते देखिए, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बागात हैं, इसे सीतापुल कहते हैं। और इस साइड पे भी देखिए सीतापुल है यहाँ पर, और नींबू भी है, चक्कू भी है। नींबू और चक्कू, ये पपीते भी आप देख सकते हैं, इन्हें कहते हैं बंगाली पपीता। इनका जो कद है वो छोटा होता है, और जो इनके फल होते हैं वो बड़े होते हैं, यानी कि डबल फायदा बोले तो ज़्यादा मुनाफा। तो यहाँ पर देखें, नींबू भी हैं, पपीते भी हैं, और सीतापुल भी हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी खुशगवार जगह है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा नज़ारा, सरसब्ज़ और शादाब। तो ये वीडियो जो है ना 1080p 30fps पे रिकॉर्ड हो रही है, 4K है लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, और 60fps भी है लेकिन मैं जो है ना 30fps पे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पपीते अभी तैयार नहीं है, कुछ टाइम लगेगा इन तैयार होने में। हाँ नूरली, कितना सफ़र तूने किया है अभी? अभी तकरीबन 1 किलोमीटर किया है। अच्छा, और आगे भी सफ़र करेंगे, बस नज़दीक होगा। अच्छा, नज़दीक ही है। हाँ, 1 किलोमीटर आपने पैदल सफ़र तय कर लिया। हाँ, एलर्जी पानी है। एलर्जी पानी या एनर्जी? एलर्जी। एलर्जी तो किसी और चीज़ को कहते हैं, एनर्जी बोलते होंगे। चलो जो भी है। अच्छा, बोल, हम अनपढ़ जाए लोग, हम तो कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, क्या बात है। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, थक तो नहीं गए? कहाँ जाएंगे यार, थक कहाँ जाएंगे, काम ही है चलना। तो नूरली मेरे ख्याल से पनौती है, यहाँ पर जो है ना तीसरी गाड़ी आई है। देखें, ये भी खराब हो गया है, ये भी थोड़ा सा मसला कर रहा है, तो देखते हैं क्या मसला है भाई। हाँ नूरली, क्या पनौती है तेरे में भाई, सारी गाड़ियाँ तूने खराब कर दी। हाँ, पनौती मेरे पे नहीं है, आज संडे का दिन है इसी वजह से। अच्छा, संडे का दिन पनौती होता है, क्यों? जवाब नहीं है यार, जवाब नहीं है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि आप क्या बोलते हैं, क्यों पनौती हूँ ये तो बता यार। 3 गाड़ियाँ तूने खराब कर दिया है, और क्या? अभी देखे, ये मैंने खराब नहीं किया, मेरे लिए आया है फिर खराब हो गए। तो तेरे लिए तो आया है तभी तो खराब हुआ है। अच्छा भला जा रहा था, तूने फोन करके बुलाया।
भाई लोग हमारा दूसरा दिन है काटोर में। तो फिलहाल हम कॉलोनी जा रहे हैं, कॉलोनी जिसे बोलते हैं ये कबीर, ये काटोर का शहर है ना उसे कहते हैं कॉलोनी। अच्छा मैं भी यहाँ पे नया हूँ। अच्छा आप भी नए हो आपकी तरह। तो दूसरे लोग आगे चले गए हैं, हम तस्वीर निकालने के लिए जो है ना थोड़ा सा रुके थे, अभी जा रहे हैं। अभी गर्मी भी हो रही है, रात को बहुत सर्दी थी, दिन को गर्मी है, मौसम चेंज हो रहा है। तो फिलहाल के लिए भैया जी देखते रहिए। करते हैं यहीं से ख़त्म। इस ब्लॉग में बस इतना ही।